ऊपर स्टेप छोटा बना हुआ हाँ इधर से ऊपर है इधर से एकदम सीधा नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पंकज चौधरी में। और जैसे कि आप को पता ही है, हम अभी भोपाल आए हुए हैं, भोपाल एक्सप्लोर करने। तो भोपाल से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर हम ऐसी जगह आई है जो बहुत कम लोगों को पता है, जिसका नाम है उदयगिरी केव्स। उदयगिरी केव्स जो है वो भोपाल से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर और सांची से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर है। और जैसे कि मैं अभी खड़ा हूँ, मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ। यहाँ पे कुल मिला के 20 गुफा है, 20 केव्स है, जिसमें से 19 केव जो है वो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करती है, जहाँ पे हिंदू धर्म से संबंधित अलग अलग चित्र और मूर्तियाँ वहाँ पे चित्रित की गई है, शिल्पकारी की गई है उनकी। और एक जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो गुफाएं हैं, इनका जो कालखंड है वो है 5वीं शताब्दी के पूर्वाद में, मतलब 5वीं शताब्दी के शुरुआत में ये गुफाओं को बनाया गया था, जिस समय गुप्त काल था। तो ये जो गुफाएं हैं इसमें कुमारगुप्त द्वितीय इनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे मुझे नेट पे सर्च करने के बाद पता चला है। तो ये था, अभी हम दिखाते हुए चलेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये देखिए, मतलब ये जो है तकरीबन 1500 साल पहले की मूर्तियाँ है, लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी कुछ शेष है। और जैसे कि मैंने नेट में पढ़ा, थोड़ा रिसर्च किया, तो पता चला है कि ये गुफाओं की विशेषता ये है कि ये जो गुफाएं हैं ये हिंदू धर्म की प्राचीनतम जो चीज़ें हैं, टेम्पल्स है, मंदिर है, जो बचे हुए हैं उनको ये प्रतिनिधित्व करती है। तो ये तो शुरुआत है, चलिए हम देखते हुए चलेंगे।
और ये दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे होंगे हमारे गणपति बापा की मूर्ति है, और ये मूर्ति 1700 साल पुरानी है। आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये जो गुफा है ये हमारे हिंदू धर्म के मूर्तियों और मंदिरों को शुरुआती स्तर में जो प्रतिनिधित्व करने वाली गुफाओं में से एक है। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जैसे हम गणेश जी अभी जानते हैं, गणेश जी बिठाते हमारे घर में, हूबहू वैसे ही गणेश जी की मूर्ति मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख के एक्चुअली, और अच्छा लगा ये जगह पे आके। आप देख सकते हैं हम काफ़ी ऊपर आ गए, आप अगर आप देख सकते होंगे तो नीचे तो इस तरह से नीचे से ऊपर होते हुए हम ऊपर तक आ गए अलग अलग मूर्तियों को देखते हुए। तो इसी तरह हम आपको दिखाते रहेंगे। तो मैं अभी खड़ा हूँ उदयगिरी केव्स के केव्स नंबर 5 के आगे। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो वराह अवतार को चित्रित किया गया है। हमारे धार्मिक मान्यता के अनुसार जो एक कहानी है जिसमें वराह अवतार में विष्णु जी ने पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला था, और ये सबसे महत्वपूर्ण केव्स है, सबसे महत्वपूर्ण गुफा है उदयगिरी केव्स की। तो ये था उदयगिरी केव्स का पूरा सफ़र, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बिल्कुल बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। কোথায় গিয়ে